तो आज मैं एक और गारंटी गोवा के अपने दोस्तों को, भाइयों बहनों को देने के लिए आया हूं। तो आज मैं गोवा में यह ऐलान करना चाहता हूं कि हमारी सरकार बनेगी तो गोवा के लोगों को हम फ्री में अयोध्या की तीर्थ यात्रा कराएंगे, अयोध्या में श्री रामचंद्र जी के दर्शन करवाएंगे। जो हमारे क्रिश्चियन भाई बहन हैं उनके लिए हम वेलंकनी उनको लेके जाएंगे, फ्री तीर्थ यात्रा उनको वेलंकनी की करवाएंगे। जो हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं उनको अजमेर शरीफ की यात्रा करवाएंगे। और मुझे बताया गया कई सारे ऐसे लोग हैं गोवा के अंदर जिनको शिरडी में श्रद्धा है, उनको शिरडी की। अगर आपकी गवर्नमेंट आती है तो ये करप्शन के अंदर जो किसी को नहीं बख्शेंगे। जितने लोगों ने गोवा के लोगों की पैसे की चोरी की है सबको पकड़ के पैसा रिकवर करेंगे, सबको जेल भेजेंगे, किसी को नहीं बख्शेंगे। ये जो मिल बांट के मिलावट चल रही है ना बीजेपी और कांग्रेस की, इसको बंद करेंगे। बीजेपी की सरकार आती है तो किसी कांग्रेस वाले को कुछ हुआ नहीं हुआ, कांग्रेस की सरकार आती है बीजेपी वालों को कुछ हुआ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, कभी सोचा? दोनों मिले हुए हैं, मिल बांट के मलाई खाते हैं। आजाद भारत 75 साल हो गए, 75 साल में यह पहला वाक्या है कि किसी गवर्नर ने अपनी पार्टी के चीफ मिनिस्टर के ऊपर आरोप लगाया है। लेकिन दुख की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी उसको बचाने की कोशिश कर रही है, अपने मुख्यमंत्री को बचाने की कोशिश कर रही है। इसका मतलब यह कि खुलेआम सरेआम भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार को बचाने की कोशिश कर रही है।